कैसे हैं आप सब? आपको बहुत बहुत एक प्यारी गुड मॉर्निंग, एक प्यारी प्यारी धूप वाली सुबह के साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आँख ज़रा देर से खुली है, तो मैं फटाफट जाऊँगी, पहले नाश्ता बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का हमारा दिन बहुत ज़्यादा बोर एकदम गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा बोर, और मैं क्या बताऊँ, आज कुछ भी काम हुआ नहीं है। दरअसल हमारे किचन में एक प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से हमारा दिन इतना बोर हो गया। क्या हो रहा है रे, मेरे को कुछ बोलने तो नहीं, मेरा व्लॉग बन रहा है और तुम लोग कीकी कीकी क्या हुआ है? और इन लोग को सुकून है, देखो ये वही कर ले उल्टी भी। तो जो प्रॉब्लम लगी है सुबह से कि मैं दिमाग भी ब्लॉग बनाने में लगा नहीं, जितना मैंने वीडियो बनाई थी वो भी थोड़ा उतना ही छूट गया। अब आप इसको बना रही हूँ आगे, मतलब आप आगे चूक करना शुरू किया। सुबह से कुछ भी नहीं कहते, दिमाग ख़राब है ना, तो पता नहीं मैं बता क्या बताऊँ अभी। हमारा किचन का सिंक है वो भर जा रहा है और हम लोग सुबह से बहुत परेशान है, उसको साफ कर करके परेशान है, लेकिन वो अभी भी पानी भरा हुआ है। तो अब नीचे हम लोग जाएंगे मार्केट, फिर हमको उसका पाइप चेंज करना है वगैरह सब कुछ करके हमको भी मतलब किचन बनाना है, फिर से किचन का सिंक बनाना। क्या क्या कर रहे थे ये लोग? दोनों सारे लोग मस्ती कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह हमारी मस्तियाँ ऐसे ही चालू रखे, बेफिक्री रखे, मस्तियाँ ऐसे चालू रखे, अल्लाह मत कर रहे मत कर। तो ये छोटी वाली ना बड़ी वाली को परेशान कर रही है, चुप रहे मत जवाब उतार लेना, 6 बज जाएगा अभी। आज सुबह से कहाँ हमारी सुबह गई, कहाँ दोपहर गई, और अब शाम ने हमने खाना अभी तक नहीं खाया हुआ है, खाना हमारा अभी तक भी नहीं हुआ है, और हम किचन के पीछे ही परेशान है सुबह से, मतलब उठ के नाश्ता किया बस और खाना अभी तक भी नहीं हुआ है और किचन के पीछे परेशान है। अब पाइप ला के हम अपने हाथ से चेंज करेंगे उसको, तो फिर जब पानी का कुछ हल निकलेगा तो हमारा काम शुरू होगा। हाँ, कपड़े वगैरह धुल रहे हैं उस तरफ, क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारी वहाँ लास्ट कमरे के वहाँ रखी हुई है, किचन में परेशानी आई हुई है, तो वही अभी पाइप वगैरह लाने के लिए हमको मार्केट जाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, पहले खाना खाएंगे। और इतना बोरिंग दिन है ना, देखा दिन गुजरा है उसका पता नहीं क्यों, तो वो हल निकलेगा तो ही खुशहाली वापस आएगी हमारी रोजमर्रा की। तो अभी करेंगे कुछ खाना खाएंगे थोड़ा बहुत और जाएंगे नीचे फिर। तो इस करके मैंने आप ये देख रहे हो कि ब्लॉग आगे ही नहीं बढ़ाई, मैंने कुछ दिल नहीं लग रहा था उसी में लगे हुए, तो ब्लॉग भी क्या मैं आगे बढ़ाती हूँ और अब बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब मैं लेटी हूँ था खा के बेजार होकर लेटी हूँ, क्योंकि कुछ हल नहीं निकला किचन का। अब जब हल निकलेगा फिर मैं और ज़्यादा खुशी खुशी ब्लॉग बनाऊँगी। क्या हो रहा है ठीक से कट करना पड़ेगा, अरे तुम लोग ऐसे मत करो। उल्टी कैसे हो गई, कैसे मंजर दिख रहे हैं आग बन टपली के लोग, तो ये लोग बीच बीच कुछ बोलते हैं और कट मेरे को करना पड़ता है सच में। दोनों बड़ी बेकार लगी है, मैं काम क्यों, काम करके थके अब लेटी हूँ ना, ये लोग बोल रहे करी ना, मैं परेशान हुई ना कि जाएंगे मुझे। अच्छा गंदे उसको झाड़ू मार डाली है तो प्लास्टिक में से उसको मार साफ की, और ये तुमने काम किया वाली नहीं नहीं अभी कुछ काम बचता है हो जाएगा। हाँ मैंने गर्म पानी मैंने डाली तो, हाँ तो फिर अभी जब नीचे जाएंगे अभी तो हर कुछ हल निकलेगा, तो फिर मैं उस पर रोशनी डाल के आप सबको बताऊंगी। इतने डरावने दृश्य अभी मैंने देखे, तुम्हारा क्या गया नहीं कुछ नहीं गया। चलो अभी खाना खाने का क्या इरादा है, ये पूरी बोल बोल रही है खाना खाने का क्या इरादा है, नहीं बोलेंगी ना, नहीं बोलेंगी ये बोल रही है मुझे नया पैजामा मतलब लेना है दो चार, तो नीचे जाएगी इंशाल्लाह। वो डाकू लड़की है सच, रिपोर्ट ज्यादा डाकू लड़की नहीं है छोटी वाली, वो कुत्ती है।
के एक बात खाली नहीं जाने दूंगी। वो कुत्ते बोले कि मैं बन के दिखाऊंगी। कैसे बनी? देखा कितनी डाकू है। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में अपनी मुश्किल हल करके। तो आज कोई ख़ास काम नहीं हुआ। वो देखो मेरे चुन्नू भी सो रहे हैं। आज जो है कोई ख़ास काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। आज सुबह से पता नहीं कैसा दिन बीता। आज कोई भी काम नहीं हुआ हमारा। बस खाने में भी कुछ खास नहीं मिला। दाल चावल बना और हम लोग थक भी गए अभी रात तक। और बस हम लोग आज किचन के पीछे सुबह से परेशान रहे क्योंकि सिंक में पानी हमारा जो था वो रुक गया था। तो बड़ी मुश्किल से वो एसिड वगैरह डाल के हमने सारा अब शाम तक साफ किया। तो हम लोग वैसे ही थक गए। आज खाना भी कुछ खास नहीं बना और काम भी आज तक कोई भी हमारा नहीं हुआ। अब कल जो है कामों का पहाड़ टूटेगा हमारे ऊपर। तो अब जो है तो जल्दी रात को नींद आ जाती तो अब जो है नींद से आ रही है। तो कुछ भी नहीं, मैंने सोचा कि लाओ मैं ज़रा सबको टाटा बाय बाय कर लूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को क्योंकि आप तो कोई काम नहीं है। तो फिर जो काम की शुरुआत होगी इंशाल्लाह कल से होगी। तो मज़ेदार ब्लॉग फिर कल बनेगा इंशाल्लाह। तो आज जो है वो बस ऐसी सुम सम ब्लॉग आज बना और कुछ मज़ेदार नहीं हुआ। कुछ बातें बताने के लिए नहीं थी क्योंकि हम परेशान ही रहे। मैं क्या मज़ेदार बात बताऊँ, क्या बात करूँ, इतने हैरान परेशान थे। फिर शाम में अब जाके मगरिब से पहले मतलब 5 बजे तक वो हमने सारा साफ़ कर दिया। तो अब जाके वो शाम तक कैसे भी उसमें एसिड वगैरह डाल के हमने किसी तरह भी साफ़ कर लिया और अब वो साफ़ हो गया। तो हमारी जान में जाना ही है। तो अभी तो किचन वगैरह सब साफ़ करके थक करके बैठी हूँ। अब कल से और सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। तो कल से लग जाऊँगी या फिर अगर हमको कहीं बाहर जाने का हुआ बाहर ने और रिश्तेदारों के अभी जाना है तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कल ही परसों में। तो फिर उसके बाद से फिर न्यू घर की मतलब साफ़ करने की शुरुआत होगी फिर से क्योंकि अब किचन तो आज के दिन साफ़ कर लिया। अब बाकी फिर से दोबारा से मंडे से इंशाल्लाह फिर साफ़ सफाई की जाएगी। तो आएगा ब्लॉग में तब सब कुछ देख ही लेंगे क्योंकि मैं सबका वर्क करने वाली हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और गुड नाइट क्योंकि रात हो गई है। बगैर कुछ किए थक हार गए हैं, रात हो गई है। तो गुड नाइट और साथ में अल्लाह हाफिज़।